हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस पेपर्स वगैरह मेरे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार यूट्यूब पे वापसी कर लेते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते। तो इसी आपका भाई हाजिर हो चुका है नए व्लॉग के साथ। तो गाइस अभी का सीन को जैसा कि अभी बज रहे सुबह के 5:30, ठीक है। और मैं इतनी जल्दी क्यों उठाऊँ, वैसे तो मैं 4 बजे का उठाऊँ, मैं व्लॉग अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई मैं इतनी जल्दी क्यों उठाऊँ, तो इसकी वजह यह है कि हम रात को ले आए थे यार बकरा, ठीक है। बकरा हम ले आए थे कुर्बानी के लिए, ठीक है। रात को मेरे ख्याल से हम 9-10 बजे घर पहुँचे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ था। और मैं सुबह क्यों उठाऊँ कि भाई जल्दी सी बात है यार, रोशनी हो जाती है तो सोया ही नहीं जाता, 4 बजे तो पूरा दिन हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा आज। बाकी यार बकरों की बातें हो रही हैं तो भाई आपको बकरा भी दिखा देते हैं जो हम रात को लेके आए हैं। तो आओ ज़रा तुम लोगों को चेक करवाते हैं। सही भाई साहब कूलर के मज़े ले रहा है बैठ के, ठीक है। इस वक्त अभी कूलर को हम फिलहाल बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि आवाज़ सही तरह आ सके आप लोगों को। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई साहब? माशाल्लाह, वाजवा, सुभान अल्लाह। आराम से बैठ के कूलर के मजे ले रहे हैं। तो भाई इसका तुम लोगों ने नाम भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका नाम क्या रखें, ठीक है। तो जो सा भी मुझे नाम अच्छा लगेगा ना, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैंने इसका क्या नाम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नाम भी नीचे कमेंट्स में इसके लिखो, ठीक है, ताकि मैं इसका डिसाइड कर सकूँ क्या नाम रखना है। बाकी यार मैं रात को इधर ही सोया था, ठीक है। देख लो भाई चारपाई मेरी इधर ही लगी हुई है बकरे के साथ ही, सही है। क्योंकि यार जैसे ही मैं अंदर जाता था ना, बोलने लग जाता था, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा यार यही दिन होते हैं, ठीक है, इनके साथ स्पेंड करने के लिए। तो हफ्ता ही रहता है अभी बकरा ईद में, मैंने कहा चलो यार रात को फिर इधर ही सो जाए करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि भाई मुल्तान में रहता हूँ मैं और मुल्तान की गर्मी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। गर्मी से बचने के लिए बहुत हमने तरकीबें लड़ाई, पहले हमने पेडिस्टल फैन लगाया लेकिन उससे गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर मैं कूलर लेके आया, ठीक है, कूलर से हल्का फुल्का हमारा गुजारा हो गया था, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत हवा भी चलने से लग गई थी रात को, तो इसलिए ओके सीन था, ठीक है, मतलब इतना मसला नहीं हुआ। बाकी यार बकरे के लिए अब सामान वगैरह लेने चलते हैं, ठीक है। इसका जंतर शंतर, इसके दाना शाना जितना भी होता है ना, जंतर तो सिर्फ फारसी तौर पर होता है, उससे इतनी भूख वगैरह नहीं मिटती। जितने में ये दाना शाना चोकर शोकर होता है ना, तो ये लेके आते हैं, सही है। और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ही लेके आऊँगा ताकि इसको चेक कराऊँ कि ये भी खाता है कि नहीं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और जल्दी से लेके आते हैं, ठीक है, सामान वगैरह। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी तो भाई चलते हैं जल्दी से, ठीक है। मोहम्मद को मैंने बकरे के साथ बिठा दिया ताकि वो बोले ना, ठीक है। और कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए हैं, अब जल्दी से निकलते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि यार बकरा बहुत ज़्यादा भूखा था इस वक्त, तो बस जल्दी जल्दी निकलते हैं और लेके आते हैं जल्दी से। भाई लोग ले आया हूँ मैं इसका खाना छाना, ठीक है। फिलहाल इसको मैं इधर रख देता हूँ, अभी ये जो मैं इसका दाना अलग से बनवा के लाया उसको भी इधर रख देता हूँ। बाकी पट्टे जो है ना वो इसको दे देता हूँ। हाँ भाई साहब, वो क्या हो गया, क्या हो गया, आराम से आराम से, चार पाई आगे कर दूँ थोड़ी, मैं आराम से खा ले लो भाई, आराम से खाओ। बाकी यार ये जो इसका चारा लेके आया ना, ये दाना शाना, इसको मैंने उसको भाई को अलग से कह दिया था कि ना बकरों जो खाते हैं ना वो बना देते, तो उसने ना मिक्स कर दिया सारा कुछ, ठीक है। बाकी इसको ये इन्जॉय करके खाने दो, ठीक है। तो बाकी ये जो है ना मैं इसको दोपहर को टेस्ट करवा दूँगा, ठीक है, खाता है कि नहीं। अगर ये खाएगा तो फिर मैं कल और ज़्यादा ले आएंगे, अभी मैं वैसे ही थोड़ा सा लेके आया हूँ। तो वैसे काफ़ी हद तक बकरे ने खाना खा ही लिया, चेक करो बस। ये ना यार ये अजीब अजीब पत्ते हैं इसके अंदर ये वाले, तो ये है ना ये खा ही नहीं रहा बिल्कुल, ये ना देखो सारे पड़े हुए। बाकी ये जंतर था ना वो इसने सारा का सारा खा लिया, बस ये वाले पत्ते नहीं खा रहा। तो आइंदा ना ये वाला ख्याल रखना है कि ये वाले पत्ते ना हो उसमें जो हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये मैं ख्याल रखूँगा क्योंकि यार ये बिल्कुल अब वेस्ट चले गए हैं, ये खा ही नहीं रहा। वाइपर पकड़ते हैं, जो नीचे गिर गया वो साफ सूफ कर देते हैं। बाकी यार अभी सोच रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँ, ठीक है, क्योंकि सोया बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। तो अभी जाके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, मोहम्मद को बिठा देते हैं इसके पास, ठीक है। लेट है जी। तो गाइस आपका भाई सो के उठ चुका है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही सो लिया, पता ही नहीं लगा यार टाइम का।
और अभी मैं नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। सही है, बकरा हमारा यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है। इसको भी मैंने हल्का फुल्का नहला दिया, सही है, पानी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। बाकी जो इसको प्रॉपर नहलाएंगे ना, वो हम इंशाल्लाह कल नहलाऊंगा मैं इसको, वो प्रॉपर ना साबुन साबुन लगा के ना फुल इसको चमका देंगे, ठीक है। तो अभी ये काम करते हैं, ये दाना पड़ा है इसका, ये उठाते हैं इसको, चेक कराते हैं कि ये खाता है कि नहीं। बर्तन ले लो, बर्तन इसी के अंदर डाल लेते हैं, इसको इधर रखो। एक मिनट, क्या जल्दी है, एक मिनट रुक जा भाई साहब। ये दाना तो बड़े मज़े से खा रहा है यार, मुझे तो लग रहा है अभी थोड़ी देर में ख़त्म कर देगा ये। तो अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार पिछले साल हम बकरा लेके आए थे ना, वो बड़े ज़िद्दी बकरा था, मतलब उसके अजीब ही टाइप के वो पत्ते खाता था। वो तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर थी वो दुकान जहाँ से मैं लेके आता था इसके पत्ते, तो उसने बड़ा तंग किया था पिछले साल। लेकिन यार ये जो है ना हर चीज़ खा रहा है, तो इट्स अ गुड साइन और माशाल्लाह गुड सीन है, ठीक है, सारी चीज़ें ही खा रहा है ये। तो अब इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कोशिश करूँगा दाना शाना ये जो है ना यही लेके आया करूँगा, ताकि इसका पेट जो है रफ फुल रहे। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है, पसीने पसीने हो गए हैं इसी थोड़ी सी देर, 5 मिनट में बाहर आया और पसीने आपके सामने हैं, ठीक है। तो अब इसको भी कूलर लगा के दे देता हूँ मैं, ठीक है, आराम से ये भी बैठ जाएगा और मैं भी अंदर चलता हूँ, ब्लॉग को एडिट करता हूँ और आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।